oust him. Baiju Ravindran says the $200 million rights issue. आज देश का हर युवा अपने स्टार्टअप को खोलने के जुगाड़ में है, क्योंकि उसके माइंड में एक बढ़िया सा आइडिया है और उसके बेसिस पे वो इन्वेस्टर से पैसे उठाएगा और कुछ ही टाइम में वो करोड़ों की कमाई करेगा और बस जिंदगी सेटल। तो जितना आसान ये सुनने में लगता है उतना है नहीं। खेल बिल्कुल उसके उलट है। स्टार्टअप पैसा कमा नहीं रहा, उल्टा जला रहा है। हाँ, आपने सही सुना। तो आइए आज इस वीडियो में जानते हैं स्टार्टअप की वो डार्क रियलिटी जो आपसे शायद कोई नहीं करेगा। तो दोस्तों, यूएसए के बाद इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स अवेलेबल है। और वही बात करें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम और नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स की, तो इंडिया थर्ड नंबर पे आता है और इंडिया की जीडीपी में 4-5% कंट्रीब्यूशन करता है ये स्टार्टअप कल्चर। हमारे पीएम मोदी की फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्टअप इंडिया, जो कि 2016 में स्टार्ट की गई थी, उसके बाद से हमारे देश में स्टार्टअप का मानो बूम ही आ गया हो। जहां 2016 तक इंडिया में बस 445 स्टार्टअप्स थे, वही ये नंबर स्टेटा के अकॉर्डिंग 2024 में 1,27,000 पे पहुंच गया है। 3 अक्टूबर 2023 को इंडिया ने 111 यूनिकॉर्न कंपनीज का नंबर अचीव कर लिया। पर इसके उलट एक और रियलिटी, आईबीएम इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारे देश में लास्ट 5 ईयर में 91% स्टार्टअप फेल हो गए। और जो हमारे 111 यूनिकॉर्न है वो ये तो नहीं कि हर साल प्रॉफिट कम आ रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू रीडसिर कंसल्टिंग फर्म, इसमें से 43 यूनिकॉर्न ऐसे हैं जो लॉस मेकिंग में हैं और बाकी बची कंपनीज भी ज्यादा कुछ अचीव नहीं कर पा रही। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 में 15,000 एम्प्लॉइज का ले ऑफ किया गया, जिसमें बड़े नाम थे अनअकैडमी, मीशो, जोमेटो और बायजूस। 2,500 लेफ तो बायजूस ने ही अकेले किया, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो अपने एम्प्लॉइज की सैलरी तक दे पाए। तो अब सवाल आता है कि एक ऐसा देश 140 करोड़ की ह्यूज पॉपुलेशन है, जहाँ पे वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज भी काफी ज्यादा है, तब भी हमारे देश में स्टार्टअप क्यों फेल हो रहे। तो उससे पहले हम स्टार्टअप का बैकग्राउंड देखते हैं कि कैसे स्टार्टअप कल्चर बूम किया वर्ल्ड में और इंडिया में। तो बात है 1957 की। ट्रेटोरस 8 नाम के बंदे ने फेयर चाइल्ड सेमीकंडक्टर नाम की स्टार्टअप फर्म स्टार्ट की। ये फर्म सेमीकंडक्टर बनाती थी, जिसका यूज आज हर आईटी सेक्टर और हर इलेक्ट्रिक कंपनी में हो रहा है। और इतने सालों की मेहनत के बाद 2016 में ऑन सेमी ने इसको एक्वायर कर लिया $2.4 बिलियन। तो इससे हम समझ सकते हैं कि उनका विजन कितना लॉन्ग टर्म था। तो दोस्तों, स्टार्टअप का ही मतलब ये है कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो कि बड़ी पॉपुलेशन का इशू को रिजोल्व कर सके। जैसे काफी सालों से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग सिर्फ ऑफलाइन होती थी, बट बायजूस और अनअकैडमी ने ऑनलाइन प्रिपरेशन का ऐसा माहौल बनाया कि अब हर कोई दूर गांव में बैठ के एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकता है। और इन स्टार्टअप्स ने दूर गांव में बैठे बच्चों के एग्जाम प्रिपरेशन के इशू को रिजोल्व कर दिया, और यही वजह है आज ये यूनिकॉर्न की कैटेगरी में। अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो इंफोसिस और सीएमसी लिमिटेड इंडिया की फर्स्ट स्टार्टअप थे जो 1980s में स्टार्ट हुए, और आज इंफोसिस उस मुकाम पे है कि हमें बताने की जरूरत नहीं। इसकी ब्रांड वैल्यू इंडिया में थर्ड रैंक पे है आफ्टर TCS एंड HDFC बैंक। और जैसे हमें पता है कि हमारा देश वर्ल्ड में फर्स्ट रैंकिंग पे आ गए हैं पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में, तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हमारी नीड्स भी बढ़ती जा रही है। और इसको देखते हुए नए नए यूनिक स्टार्टअप्स उभर के सामने आ रहे हैं, जैसे ग्रोसरी को घर तक पहुंचाने के लिए ब्लिंकिट और जेप्टो, फूड डिलीवरी स्टार्टअप जैसे जोमेटो एंड स्विगी। तो दोस्तों, ये शुरुआत जैसे मैंने बताया 2016 के बाद से हुई, जब मोदी जी के स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आया था। और फिर एक फेमस टीवी प्रोग्राम, आपने नाम सुना ही होगा, स्टार्टअप इंडिया। तो यहाँ पे बड़े बड़े यूनिकॉर्न्स के ओनर इंडिया के फ्यूचरिस्टिक एंड विजनरी स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि उस फ्यूचरिस्टिक स्टार्टअप को एक डायरेक्शन मिल सके। और हर एंटरप्रेन्योर का ये ड्रीम होता है कि उसका स्टार्टअप एक यूनिकॉर्न बने। पर जैसा कि हमें देखने को आया है कि इन्वेस्टमेंट से स्टार्टअप यूनिकॉर्न नहीं बन सकता, उसके लिए चाहिए एक विजन विद लॉट ऑफ हार्ड वर्क। तो साल 2023 में फ्लिपकार्ट, नाइका एंड स्विगी ही डेकाकॉर्न में जगह बना पाए थे। तो दोस्तों, डेकाकॉर्न
वो प्राइवेट फर्म होती है जिसकी वैल्यू $10 बिलियन को एक्सीड कर जाती है। और अब ये जानना भी जरूरी है कि डेकाकॉन कंपनीज कितना प्रॉफिट जनरेट करती है। तो 2022-23 में फ्लिपकार्ट करीब 39 बिलियन इंडियन रुपीज के लॉस में थी, और 2023 में नाइका 19.26 करोड़ के लॉस में ही रही, और बायजूस जैसी कंपनी ने तो अपना प्रॉफिट ही जीरो दिखा दिया। तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि ये सिचुएशन क्यों आ रही है और इतना डाउनफॉल देखने को क्यों मिल रहा है और स्टार्टअप्स फेल क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों, भारत में तो स्टार्टअप काफी इश्यू से जूझते हैं, जैसे कि स्किल वर्कर की कमी, स्टाफ कॉम्पिटिशन, लाइसेंस हर्डल्स एंड सबसे बड़ा जो इशू है वो लैक ऑफ फंडिंग है। तो फंडिंग ना होने की वजह से एंटरप्रेन्योर्स को एस्टेब्लिशमेंट में ही काफी इशू हो जाता है, जिसकी वजह से उनका स्टार्टअप आगे बढ़ नहीं पाता है। क्योंकि फंडिंग के लिए हमें या तो एंजल इन्वेस्टर चाहिए या कोई गवर्नमेंट स्कीम या किसी ऐसे आदमी की मदद चाहिए जो क्राउड फंडिंग उठा सके, और ये तभी पॉसिबल है जब आपका आइडिया इन्वेस्टर को पसंद आए। और फिर जो इशू आता है वो स्किल्ड पर्सन का, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि स्किल्ड लेबर को ढूंढना काफी बड़ा इशू है, और साथ में इस इशू को बढ़ा देता है मार्केट की अंडरस्टैंडिंग का ना होना, क्योंकि स्टार्टअप्स अपनी टारगेट मार्केटिंग को नहीं ढूंढ पाते हैं और कोई इफेक्टिव मार्केट स्ट्रेटेजी प्लान भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका प्रोडक्ट मार्केट में फिट नहीं बैठ पाता और ये फेल हो जाता है। जैसे कि जोमेटो ने 225 सिटी से अपनी सर्विस को वापस ले लिया, क्योंकि हर स्टेट एंड एरिया में सेम पर कैपिटा इनकम वाले लोग नहीं रहते हैं, और यही भूल स्टार्टअप को पीछे धकेल देती है। तो दोस्तों, मैं अपनी गवर्नमेंट से कहना चाहूंगा कि वो स्टार्टअप के लिए एक ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट करे ताकि आइडिया को रियलिटी में बदला जा सके और उनको कोई इशू ना हो, और जो हमारे यंग एंटरप्रेन्योर है उनको भी एक मोटिवेशन मिल सके और एक सही दिशा मिल सके, ताकि इंडिया को जल्दी ही उस मुकाम पे ले जाया जा सके जहाँ पे आज गूगल, फेसबुक जैसे बड़े स्टार्टअप्स हैं। और मैं यंग एंटरप्रेन्योर को भी ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी स्टार्टअप करने से पहले एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना लेना, ताकि उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो सके, और वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश से जो आइडिया निकल के गया जो वर्ल्ड के स्टार्टअप को कॉम्पिटिशन दे सकेगा। थैंक यू सो मच।